दोस्तों अगर हम स्पोर्ट्स बाइक के बारे में बात की जाए तो आपको दोस्तों यहाँ पर पल्सर अपाची से लेकर हायाबुसा तक की गाड़ी जो भी कैटेगरी के बीच में आती है वो सारी की सारी स्पोर्ट्स बाइक ही होती है। और इनके अगर कॉस्ट की बात की जाए तो ये आपका लाख डेढ़ लाख से लेकर मतलब 20-30 लाख तक इनका कॉस्ट चला जाता है। तो जाहिर सा बात है यार कि मतलब उस एंड तक तो एक स्टूडेंट के लिए जाना बहुत ही मुश्किल है जिसका कोई परमानेंट इनकम सोर्स नहीं है, इधर उधर से थोड़े बहुत पैसे आ जाते हैं, उनके लिए इतनी अच्छी स्पोर्ट्स बाइक लेना एकदम मतलब इम्पॉसिबल टाइप करेंगे। दोस्तों हर एक स्टूडेंट का एक सपना होता है कि यार अपने पास एक मस्त बाइक हो जिस बाइक का एक लुक अच्छा हो। अगर बेस्ट बाइक फॉर स्टूडेंट बोला जाए तो इसके ऊपर मेरा पहले ही वीडियो है जिसमें मैंने स्पोर्ट्स बाइक के बारे में कवर नहीं किया था। मैंने ऐसी बाइक बता दी जो कि स्टूडेंट के लिए बेस्ट हो पावर पिकअप के लिए, उसका आपका मतलब जो लिंक है वो आप आई बटन में देख सकते हैं। तो इसके दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाला है कि एक स्टूडेंट के लिए सबसे चीप रेट में सबसे बेस्ट स्पोर्ट्स बाइक कौन सी हो सकती है जो कि उनके लिए खरीदना आसान रहेगा, और अगर स्पोर्ट्स बाइक की कैटेगरी में बात की जाए तो उनका प्राइस सबसे ज्यादा कम रहेगा, उसी के साथ साथ उनका लुक भी काफी अच्छा रहेगा जिससे आप अपने दोस्तों के पास ले जाकर उसे शो ऑफ वगैरह कर सकते हैं या फिर दिखला सकते हैं। एक अच्छी बाइक लगेगी आपको चार जन के सामने ले जाने में अच्छा लगेगा। तो दोस्तों ज्यादा टाइम नमस्कार, वीडियो शुरू करते हैं। मैं आशीष, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों इस लिस्ट को हम सबसे नीचे से शुरुआत करते हैं। यहाँ पर बेसिकली मैंने तीन गाड़ियों को आइडेंटिफाई किया है। तो बेसिकली एक गाड़ी को मैंने तीन नंबर पर रखा है और एक को दो नंबर पर और एक को एक नंबर पर। तो जो सबसे तीसरे नंबर पर हमारी गाड़ी है वो है दोस्तों आपका यहाँ पर TVS Apache 164V और TVS Apache नॉर्मल जो आपका 160 वाला मॉडल आता है वो। मतलब यहाँ पर मैंने दो मॉडल को रखा है अपने एक ही कैटेगरी में। तो अब कई लोग पूछ रहे हैं कि यार इन दोनों बाइकों में कौन सा बेस्ट है। तो दोस्तों देखिए बेसिकली इन दोनों बाइकों में बहुत ज़्यादा आपको डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा। आपको 4V वर्जन एक अपग्रेडेड वर्जन है TVS Apache का, तो इसलिए मैंने इसे एक अलग से नहीं रखा क्योंकि वो सेम बाइक का एक अपग्रेडेड वर्जन है। तो ये आप अपने बजट के हिसाब से ही डिसाइड कर सकते हैं। अगर हम इनकी एक कॉस्टिंग की बात की जाए तो आपकी जो TVS Apache RTR 160 एकदम नॉर्मल मॉडल जो आपका ओरिजिनल मॉडल जो आती है, तो दोस्तों अगर इसके हम प्राइस रेंज की बात की जाए तो आपको ये 1,25,000 के अराउंड में समथिंग के इसके अप डाउन में मिल जाएगा। और अगर हम 4V वाले मॉडल की बात की जाए तो आपका 5,000 ज़्यादा पड़ जाएगा, मतलब आप 1,30,000 लेकर चलिए। तब दोस्तों इसको मैंने थर्ड नंबर पर रखा। बेसिकली इस कैटेगरी इस नंबर पर क्यों रखा है इस सारी बातों को हम आगे कवर करेंगे, तब तक लिए वीडियो जरूर पूरा देखिएगा। अब दोस्तों इस लिस्ट में हमारे जो दूसरे नंबर पर जो बाइक है वो है दोस्तों हमारे दोस्तों बजाज पल्सर 125, उसी के साथ साथ बजाज पल्सर 150 और साथ साथ में बजाज पल्सर NS 160। मतलब यहाँ पर इस लिस्ट में मैंने तीन बाइकों को रखा। अब दोस्तों बेसिकली इन तीन बाइकों को रखने का कैटेगरी ये था क्योंकि अगर हम यहाँ पर सबसे चीपेस्ट रेट में बात की जाए तो आपको बजाज पल्सर 125 सबसे चीपेस्ट स्पोर्ट्स बाइक के लुक में आपको ये गाड़ी मिल जा रही है। अगर एकदम चीपेस्ट में बोला जाए तो ये नंबर वन पर, बट इसका दो नंबर पर रखने का भी मैं रीज़न आपको आगे एक्सप्लेन कर दूंगा। और दोस्तों यहाँ पर मैंने 150 वाले मॉडल को इसलिए रखा है क्योंकि 125 के बाद आपको 150 एक अच्छे कॉस्ट में मिल जाती है, साथ साथ में इसका लुक भी काफ़ी अच्छा है, बहुत ही पुराने टाइम से इसका लुक लोगों को पसंद आ रहा है। और दोस्तों अगर हम NS 160 बात की जाए तो ये काफी एक अच्छा नेकेड लुक दे देता है। नेकेड लुक के साथ साथ अगर हम इसके परफॉर्मेंस को देखें तो ये पल्सर के सीरीज में सबसे बेस्ट आपका 160 सेगमेंट में परफॉर्म करता है। तो दोस्तों बेसिकली यही रीजन है कि मैंने यहाँ पर पल्सर NS 160 को सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी दी है सेकंड लिस्ट में, मतलब सेकंड नंबर वाले कैटेगरी में। तो दोस्तों यहाँ पर बेसिकली आता है बात अपने लुक के ऊपर क्योंकि यार कई लोगों को ओपन नेकेड बाइक अच्छी लगती है, कई लोगों को मस्कुलर कॉम्पैक्ट बाइक अच्छी लगती है, तो इसलिए मैंने इसको और ज्यादा मतलब खोदा नहीं है, अलग नहीं किया है इसको, बस सेकंड नंबर पे मैंने रखा है। अब दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं कि फर्स्ट नंबर पे कौन सी गाड़ी है। तो दोस्तों यहाँ पर जो सबसे फर्स्ट नंबर पे गाड़ी है वो है दोस्तों हीरो एक्सट्रीम 160R। अब दोस्तों कई लोग बोल रहे हैं कि यार अगर हम इसके कॉस्ट की बात की जाए तो बजाज पल्सर 125 से इसकी कॉस्ट ज़्यादा पड़ती है और कई कई सिटीज़ में 150 से भी इसकी कॉस्ट ज़्यादा देखने को मिलती है, तो फिर आपने इसे नंबर वन पे क्यों रखा। तो दोस्तों बेसिकली मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये वीडियो मैंने एक स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूँ कि स्टूडेंट को कौन सी बाइक लेनी चाहिए। तो दोस्तों बेसिकली एक्सट्रीम 160R को मेरा रखने का ये वजह है, इसके बहुत सारे रीज़न है। सबसे पहली रीज़न दोस्तों ये है कि अगर हम इसके प्राइस को देखा जाए तो इसका प्राइस बहुत हद तक आपका TVS Apache और NS 160 के ही लगभग में अराउंड में आपको मिल जाती है। इसका प्राइस हम अगर बात की जाए तो आपको 1,25,000-30,000 के रेंज में मिल जाएगी। लेकिन दोस्तों हम सबसे बड़ी बात आ जाती है वो है दोस्तों माइलेज की। अगर हम माइलेज कंपेयर किया जाए तो आपका ये 5 kmph टू 8 kmph का ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है, मतलब ज़्यादा मिल रहा है आपको हीरो एक्सट्रीम 160R में, जो कि आपको इन दोनों ही बाइकों में और नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर माइलेज का सबसे एक बड़ा बात आ जाता है क्योंकि यार देखो एक स्टूडेंट के लिए पेट्रोल का भी खर्चा मेंटेन करना बहुत ही मुश्किल होता है, तो एटलीस्ट उसे एक ऐसी गाड़ी जरूर चाहिए जो एक अच्छा माइलेज दे सके। क्योंकि वन टाइम इन्वेस्टमेंट करके महंगी बाइक लेना आसान है बट उसे मेंटेन कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है। तो दोस्तों अगर हीरो का मेंटेनेंस की बात की जाए तो काफ़ी ज़्यादा चीप होता है अगर हम इसे TVS या फिर बजाज पल्सर इन सभी से कंपेयर किया जाए तो। तो दोस्तों ये एक मेन रीज़न था। उसी के साथ साथ दोस्तों अगर हम हीरो की क्वालिटी की बात की जाए तो हीरो की बाइक्स की क्वालिटी ज़्यादा अच्छी होती है, तो अगर किसी को भी स्टूडेंट एक गाड़ी ले रहा है तो उसे एक ऐसी गाड़ी चाहिए जो
यार उससे थोड़ी सी मतलब एक लाइफ दे सके, एक ड्यूरेबल हो, क्योंकि एक स्टूडेंट के हाथ में गाड़ी बहुत ज़्यादा मेंटेन तो नहीं रहती है। उसी के साथ साथ दोस्तों थोड़ा बहुत आपका मतलब फ्रंट सर्कल में गाड़ी उतना अच्छा नहीं रह पाता, तो एक रफ एंड टफ बाइक आपको चाहिए, तो उसके रिगार्डिंग मेरे को हीरो एक्सट्रीम 160 सबसे ज़्यादा बेस्ट लगी इस सेगमेंट में। अब दोस्तों यहाँ पर हो सकता है कि आपको आपका सोच कुछ और हो, आप बाइक के लुक पर ज़्यादा ध्यान देते हो, आपको ओवरऑल से कुछ खास मतलब नहीं है, या फिर आपके लिए माइलेज कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रखता। बट दोस्तों बेसिकली मैंने इस वीडियो में जो भी चीज़ बताई है वो एक्जैक्टली एक स्टूडेंट को हर एक कैटेगरी वाइज ओवरऑल करके दिखलाया है, इसीलिए मैंने यहाँ पर हीरो एक्सट्रीम 160R को चूज़ किया। अदरवाइज आपके लिए और भी कोई भी ऑप्शन सही हो सकता है, हो सकता है कि जो आपकी ज़रूरतें हों उसे कोई और बाइक पूरी करती हो, तो वो दोस्तों आपके ऊपर निर्भर करता है। आप इस रिगार्डिंग कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपका ओपिनियन क्या है, ताकि दूसरे लोगों को ये पता चले कि मोस्टली स्टूडेंट्स का क्या ओपिनियन रहता है, इन तीनों में से कौन सी बाइक उनके लिए उन्हें बेस्ट लगती है। तो एक्चुअली क्या होगा, इससे सबको ओपिनियन थोड़ा बहुत शेयर होगा तो अच्छा रहेगा। तो यार अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और याद देना कमेंट और लाइक करके जाना है। तो मिलेंगे अगले वीडियो पे अच्छे टॉपिक के साथ, तो ध्यान रखें, थैंक यू।